नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और आज का दिन शुरू कर रहे हैं इस कड़कड़ाती हुई धूप से। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी मुझे, मतलब ऐसी गर्मी नहीं है, आप देख सकते हैं जो पेड़ वगैरह हैं, हवा चल रही है, बट थोड़ा सा गर्म है न्यूजर्सी के हिसाब से। न्यूजर्सी आपको पता है मोस्टली ठंडा रहता है, बट आज थोड़ा गर्म है। तो फिलहाल आज का दिन जो शुरू कर रही हूँ वो कर रही हूँ वॉक से, क्योंकि मैं नहीं कर पाई और अभी मेरे पति ने मुझे पुश किया कि जाओ और वॉक करके आओ, उसके बाद कुछ करना। तो आई थिंक ही इज़ राइट, अगर मुझे कोई धक्का नहीं देगा तो शायद मैं निकलूंगी नहीं। तो फिलहाल अभी वॉक करके आते हैं और बस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। घर आ चुकी हूँ, घर आ गई हूँ, बहुत पसीने आ चुके हैं, बट अच्छा लग रहा है कि चलो कोई अच्छे काम से दिन की शुरुआत करी। फिलहाल घर में जाते हैं और उसके बाद देखते हैं बाकी का दिन कैसा रहता है। तो बने रहिए और फिर मिलेंगे आपसे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं टेस्ला के शोरूम, और टेस्ला के शोरूम में इसलिए आई हूँ, एक तो काम मुझे यार नंबर प्लेट, जब से हमने गाड़ी ली तब से हमारी कार के प्लेट नहीं लगी, वो लगवानी है। और दूसरी आपको एक और अलग सी कार दिखाते हैं जो बस अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर टेस्ला के शोरूम में और आपको सही है ना। तो फिर दस न्यू कार। सो गाइस ये जो कार है इसको बोलते हैं साइबर ट्रक, और ये नई कार आई हुई है टेस्ला की, और कई सारे लोगों ने ऑलरेडी बाय कर ली थी। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? तो गाइस चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के फीचर्स, ये कैसी दूसरी टेस्ला से। एंड दिस इज डैशबोर्ड, और काफी स्पेस है अगर आप आगे देखो तो। इट्स प्रीटी गुड, हां नहीं जैसे वो चीज है, ये स्पेस भी कितना है। तो नीचे देखनी है तो काफी स्पेशियस दिख रही है मुझे, यहां काफी सारी जगह है, आगे भी काफी जगह है। मैं एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो अगर आप ये देखिए, अगर यहाँ मैं अपना बैग रखती हूँ तो उसके बाद भी आप देखो कितनी सारी जगह है। प्रिटी 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 गुड। अभी हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर से ओपन होती है कि नहीं, और इसकी प्राइस भी पूछते हैं, हाउ मच इज दैट। तुम्हें कैसी लगती है ऐसा कार? तुम्हें अगर ये कार लेनी पड़े जो मैं चलाऊंगी, आई विल नेवर ड्राइव दिस। वो ड्रीम कार होती होगी कहीं होगी, बट मेरी नहीं है। Not about the shape, but even though it's very काफी इसमें आगे जगह है, मुझे लगता है चलाते हुए मुझे आगे का दिखेगा नहीं। Okay, those features. What do you think? हाँ जो तो इसमें ये सारे फीचर्स हैं, अगर आप देखो तो थिएटर, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, यूट्यूब भी चल जाएगा। तो ये नाउ लेट्स प्ले। तो इसमें टिकटॉक, यूट्यूब अगर आप प्ले कर सकते हैं, दैट्स अ गुड फीचर। लेट्स गो। नो बट है, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट शोइंग इन दिस कार कि इसमें क्या क्या फीचर है। एंड लुक एट द बैक, काफी काफी स्पेशियस है यार, मुझे पीछे भी जाके देखना। तो चलिए अभी मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ कि पीछे कितना स्पेस है और ये वाली जगह पे कितना स्पेस है। तो काफी, और ये देखिए लुक एट दिस, ये कुछ इसका विंडो, ये इसमें मिरर्स भी हैं कुछ इस तरीके से, और ये बहुत छोटा दिया। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, बाकी सब ठीक है, बट दिस इज वेरी स्मॉल। हाँ दिस इज वेरी स्मॉल, अगर आप देखो इन सब के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत छोटा है। आई डोंट नो व्हाई, बाकी लोग भी इस कार को देखने आए हुए हैं। लेट्स सी एंड लुक एट द टायर, माय गुडनेस कितने बड़े टायर हैं इसके। तो कहीं स्पेस की बात की जाए तो आप खुद ही देख लो कितना स्पेस है, आगे काफ़ी सारा स्पेस है, और यहाँ पीछे भी आप देख लो आराम से तीन लोग बैठ सकते हैं विथ फुल लेग स्पेस। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और पीछे तो काफ़ी ही अलग ही बहुत ज़्यादा जगह है, और आपको जाके पीछे दिखाती हूँ। बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी स्पेशियस कार, बट शेप वाइज बहुत डिफरेंट है, इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक। इट डजंट गेट ओपन राइट? This thing? No, no, it doesn't open. And it doesn't open to the back either. This also? I want it to open to the back. This too, I was trying to open this. It doesn't open, right? This is only losing. I'm not buying it. You're not if buying it? If this one open it to the that back, make I more sense. It. Yeah, that make more sense.
I already in the process of buying it. But this one cannot open. That's what I'm trying to open it. Yeah, it's I wish it could have opened, right? It's yeah, more if it space. Opens, I will definitely buy it. Yeah, it's very spacious though. Very spacious car. So चलिए पीछे एक बार देखते हैं. टिया एक मिनट पीछे आओ. और आप ये देखिए कितना solid है. My goodness. This, do you know how to open this thing? टिया एक मिनट बाहर आना. Okay, look at this. So pretty. This is so pretty, huh? You can even sit in and look at the space. You can put all your luggage here. You can sleep here. You can put your bed here. It's also on the part. ये खुलेगा कैसे नीचे? अंदर मत जाना. How to open this one? Oh, this one. That's pretty cool. It's on here. We can do it, right? Yeah. I like the back. You like the back, see this car, this is a pretty good car, I would say. My goodness, look at the size, कितनी बड़ी साइज की है. तो चलिए इसको अब हम बंद कर देते हैं. बहुत इसलिए बंद होगा भी है और यहाँ से सिर्फ एक बटन दबाना है. ठीक है, पता है ये देखिए नहीं है ये वो बंद हो गया. तो गाइज आपको दिखाते हैं इसमें कैमरे बहुत सारे हैं. कैमरा मुझे यहाँ दिख गया और हर कोने में अगर आप देखो तो इसमें कैमरेज बहुत सारे हैं. एक कैमरा ये दिख गया तो हर तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग अगर हो रही है तो. दो तो मुझे इधर दिखे हैं. ये फ्रंट है इसका. या लुक एट दिस, दिस इज अनदर कैमरा हियर. ओह आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी. ओह इज इट डन? और देखा जाए तो एक कैमरा इधर. बहुत सारे कैमरों से भरी हुई कार है ये. और लुक एट द टायर, मतलब आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी ब्रांड का. काफ़ी इंटरेस्टिंग कार है. अगर आप इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चाहिए तो इट्स अ गुड थिंग टू बाय. अभी हम तो नहीं सोचते हैं, आई डोंट नो हमारे बच्चे कैसे फ्यूचर में लेना चाहे नहीं लेना चाहे, बट हमारे लिए तो अभी ऑलरेडी एक टेस्ला है. बट आप लोगों के लिए अगर लेना हो तो प्लीज़ गो फॉर इट. चलिए लास्ट थिंग रहती है इसके प्राइस पूछने, तो पूछते हैं इनसे इसका प्राइस क्या है. तो गाइस बस एक चीज़ रह गई इसके प्राइस पूछने, वो आई थिंक हम ऑनलाइन सर्च करेंगे. तो एक बार जो कीमत दिखा रहे हैं ऑनलाइन वो है 80 to 100,000 dollars. और आप देख सकते हैं इट्स ऑल अबाउट टेस्ला. तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं टेस्ला से सीधे प्रिंसटन की तरफ. जिस काम के लिए आए थे वो हुआ नहीं, बट मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कार दिखा दी. आई थिंक इट्स वेरी गुड और काफ़ी हमने सड़कों पर आकर भी देख ली, कई लोग उसको ऑलरेडी चला भी रहे हैं. तो चलिए निकलते हैं अभी प्रिंसटन की तरफ. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. बस टिया पार्किंग कर रही है और हम आपको थोड़ा सा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की झलक दिखाते हैं और चलते हैं आपको लेके अंदर. तो आ जाइए मेरे साथ. और आज मैं और टिया ही आए हैं बस, और तो कोई आया नहीं है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, तो हमें पार्किंग तो यहाँ मिल गई है. बस टिया वहाँ पर पार्क कर रही है और चलिए बस एक घंटा यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे. उसके बाद मैं और टिया, मदर डॉटर, आज हमारी डेट है, हम दोनों कुछ खाएँगे और फिर घर के लिए निकलेंगे. This is not the main entrance is right there, but हम थोड़ा इधर से आ गए. बट आप देखो कितनी खूबसूरत है ये यूनिवर्सिटी, आपको दिखाते हैं. ये यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से मिलता है एडमिशन, राइट? फॉर द आईबीयू. तो अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो ओनली तभी इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं. बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, सबका ड्रीम होता है सिर्फ. तो गाइस फिलहाल यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं. यूनिवर्सिटी
बहुत बहुत खूबसूरत ऑल आई कैन से। हम जैसे बच्चे तो शायद एडमिशन नहीं ले सकते इतने इंटेलिजेंट नहीं, पर अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो ज़रूर खूबसूरती के साथ बहुत दिमाग वाले बच्चे यहाँ पे ले सकते हैं। तो बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये हमारे घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है, तो चलिए आ जाइए। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ तो नहीं पढ़े, बट यहीं पर उनका म्यूजियम है और यहीं पर रहते थे वो, और उनका बताया जाता है कि वो पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, उनको अपने इस क्लास में एफ मिला था और उनके टीचर ने उनको निकाल दिया था, उसके बावजूद भी ही वॉज सो इंटेलिजेंट। कहते हैं कई बार नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना आपका स्मार्टनेस मैटर करती है। तो याद रखिए कि हमेशा लाइफ में सिर्फ नंबर नहीं होते, अगर आप स्मार्ट हैं तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिया कि सिर्फ नंबर मैटर नहीं करते। Who tragically lost their lives in the terrorist attacks of September 11, 2001. तो अंदर आके आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ, जब अंदर जाऊँगा पूरा खुला सा है। और आ जाइए निकल रहे हैं यहाँ से। अगर मैं यूनिवर्सिटी घुमाने में आ जाऊँ तो आई थिंक टाइम बहुत कम पड़ जाएगा, यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी है। और आपको एक और मेरी खूबसूरत और फेवरेट प्लेस मैं लेके जाती हूँ जो बहुत बहुत ही प्यारा है। लुक एट दिस, दिस कॉल ओवल विद पॉइंट्स। आप देख सकते हैं शेप जो है वो ओवल की है और इसमें आप ये पॉइंट देख सकते हैं, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ओवल विद पॉइंट्स। तो गाइस आप देखें यहाँ पे लोग अपना शूटिंग भी करते हैं कुछ पिक्चर्स या स्वीट 16 या, क्योंकि बहुत खूबसूरत प्लेस है। तो आप देख सकते हो शी इज लुकिंग सो प्रिटी। तो गाइज देखिए ये वो ही कार है जो आज हमने टेस्ला में देखे थे। नाउ यू कैन सी ऑन रोड की गाड़ी सड़कों पे आ चुकी है। लुक एट दिस। तो गाइज अभी हम आ गए अपनी गाड़ी में, तो क्या करते हैं इस व्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं क्योंकि आई एम सो टायर्ड और ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, तो अंधेरा नहीं हुआ बट आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो क्या करते हैं इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता दी। और इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।